देखिए, भारतवर्ष अनंत महात्माओं की और प्रागट्य स्थली रहा है, जहां विश्व के अन्य हिस्सों में भी संत हुए हैं, प्रभु के प्यारे हुए हैं, ये बात नहीं है कि नहीं हुए, किंतु हर देश हर स्थान की अपनी एक प्रसिद्धि होती है। भारतवर्ष सुप्रसिद्ध रहा है, विश्वविख्यात रहा है, यहाँ के भगवत प्राप्त महात्माओं के लिए। सिकंदर ने अपने गुरुदेव से पूछा था कि मैं भारत जा रहा हूँ विजय के लिए, क्या लेके आऊँ? तो उन्होंने कहा, देखो भैया, पूरी दुनिया तुमने लूटी है, खूब धन एकत्र किया है, कम से कम भारतवर्ष से खाली ना आना। वहाँ अगर तुम्हें मिले तो कोई संत हमारे देश में ले आना, कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा, कोई संत हो, वो मिल जाए तो कमाल हो जाए। तो बात ये कहीं, प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक, अभी तक इस आधुनिक काल तक महात्मा होते ही रहे हैं, आगे भी होते ही रहेंगे। हमें कहा जब दादा ने, कोई भी संत का चरित्र प्रारंभ कीजिए, पहले हमने बहुत संतों के चरित्र यहाँ कहे हैं, तो मेरे मन में अनायास पहला नाम आया पूजा प्रातः स्मरणीय उषा दीदी बोबो, उनका चरित्र ध्यान आया कि उन्होंने इस काल में, और जो विजय भैया ने उनका चरित्र लिखा है ब्रज एकेडमी ने, और इस ग्रंथ को शायद छपवाया था, और कई महानुभावों ने, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उन्होंने भी इस पे लिखा है प्रारंभ में अपना अनुमोदन। कई बड़े आचार्यों ने, उषा दीदी के विषय में कई लोगों ने लिखा है, उसमें पूज्य पाद प्रातस्मरणीय वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, श्री श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, पूज्य श्री मनोहर दास बाबा ने भी लिखा है इसी में प्रारंभ में, पूज्य पाद प्रातस्मरणीय श्री पाद बाबा ने तो बहुत अच्छा लिखा है। और जो 110 वर्ष के महात्मा थे, वो ट्रक वाला इंसिडेंट बताया था ना, जिन्होंने हनुमान जी ने प्रकट होके ट्रक, साइकिल और ट्रक की टक्कर होने वाली थी, हनुमान जी ने ट्रक के आगे हाथ लगा दिया, ट्रक पिचक गया। तो ये पूज्य पाद प्रातस्मरणीय श्री आनंद दास बाबा जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। शहीद दास बाबा ने लिखा है पूज्य पाद प्रातस्मरणीय श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रद्धेय पुंडरीक जी के दादाजी, उन्होंने भी लिखा है। सब संतों ने, और उनके विषय में उनका गुणानुवाद करके इस ग्रंथ में पहले महात्माओं की प्रशस्ति है, उनकी अनुशंसा है, तो पहले उनकी थोड़ी चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्रंथ बताएंगे कौन थी पूज्य उषा दीदी। कुछ वर्षों पूर्व उनका शरीर शांत हुआ है, एक बहुत महान संत हुआ करती थी। सौभाग्य से जिन संतों के विषय में हमने प्राची जी से सुना, उनमें विशेष बात उषा दीदी की थी। कुछ ऐसी बात थी जो कोई हमें कहीं से, कुछ ऐसी अपचर्चा जैसी सुनने को मिली, तो पूज्य प्राची बहन ने इस बात का सिरे से खंडन कर दिया और कहा कि अपने नारदीय निकुंज का कोई भी साधक ना ऐसी बात कहे किसी को, और ना ही सुने, सुनना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। उनका कुछ नहीं,
भगवत भक्त वैष्णवों की और उनके प्रति जितना कृतज्ञ होना चाहिए, अगर कृतज्ञ न हो पाए तो कम से कम उनके श्री चरणों में कोई अपराध न बने, तो भी श्री कृष्ण आप समझ लीजिए कि समस्त अपराधों को और क्षम्य मानते हैं, लेकिन महापुरुषों वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध को सर्वथा अक्षम्य मान के उसके लिए बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए उनका अपने से क्या प्रयोजन है, हम ये निर्णय करने वाले कौन होते हैं। फिर भी उन्होंने उनके विषय में कहा कि वो बहुत महान थे। पूज्या वाटिका में हमारी एक बहुत प्यारी सी माँ हैं, उन्होंने भी कहा पूज्या उषा दीदी के विषय में कि माँ जब उषा दीदी से मिलती थी, उन्होंने कहा कि भगवान के प्रेम की चलती फुरती एक मूर्ति थी, ऐसा स्वरूप थी, बहुत सरल स्वभाव था उषा दीदी का, और उन्हें भगवान मिले, कितने मिले, कैसे मिले, बहुत सुंदर गाथा है। और एक लोकोत्तर संत उनके पास आए जो भगवान के एक सखा थे, और उनका एक स्वरूप था चिन्मयी सखी का, तो वो सखी रूप में सारी लीला देखते थे और यहाँ सखा रूप में आके सबको बताते थे। एक सभा में वो बोला करते थे जिसमें उषा दीदी के अलावा कुछ लोग थे, और उन्होंने कहा इससे आगे लोग नहीं आने चाहिए, और उन्होंने भगवान के निकुंजों की सुगोप्य लीलाएं भी बतलाई। और उन्हें सखाजी महाराज के नाम से संबोधन किया गया। उनका शरीर नहीं था, अशरीरी संत थे। तो ऐसे ही सबसे पहले उनकी वाणी सुनी। तो ये चरित्र हम उषा दीदी का थोड़ा थोड़ा आपको रोज कहते रहेंगे। शेष कोई भी लोग आएंगे तो उनका अभिवादन भी करना है, यहाँ की नित्य चर्चा की भी कोई बात कहनी है, इसलिए हम संक्षेप में हमने प्रारंभ कर दिया ताकि दादा की बात हम टाले ना। ये मेरे को एक सपोर्ट की जरूरत पड़ा करेगी, इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ हो तो उसमें तत्व की बात, और भगवती की प्रसादी चुनरी थी, प्रसाद था, राधा रानी का कुमकुम और बेंदी और 16 श्रृंगार का सामान था, जिस बाल्टी पे साफ, जिस पे साफ लिखा है कंटेनर पे कूड़ा, अच्छे से जिसमें कूड़ा फेंका जाता है खराब, उसके अंदर वो दो मनारियल सहित सारा प्रसाद सहित वो चुनरी सब फेंकी हुई थी। मंदिर के किसी समझदार बालक ने ही फेंकी होगी। ये भगवत निर्माल्य का अनादर से बड़े बड़े देवताओं का पतन हो जाता है। जो ऐसा जिसने किया है उसने, सच बोलूँ तो, अपने नष्ट होने का एक अच्छा व्यवस्था की है। जानते हो अपने नष्ट होने की, समझ रहे हैं, श्रीहीन हो जाते हैं, आयुष्य का नाश होता है, भगवत को आप जानते हैं दैवीय कोप का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप शमन नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई भगवान की चीज़ों का सम्मान न कर पाए तो उसका तिरस्कार भी न करें। ये किसने सफाई की, किसने ऐसा किया, ऐसा इतना अबोध तो कोई शिशु नहीं है यहाँ पे, इतना तो विवेक होना ही चाहिए। साधारण संसारी को भी मैंने देखा है भगवान का प्रसाद पैरों में आता है तो ऐसे माथे पे लगा लेता है चीज़ें, भगवान का नारियल, इस तरीके से ये हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये बात मेरे ध्यान में आई, आज सुबह दीदी का फ़ोन आया तो मैंने कहा परपतित पावन जी की सर्विस थोड़ा धीमे है, मैंने कहा आप देख के बता दो, अगर बताएं तो उनकी थोड़ी हम सेवा करें, मतलब समझ रहे ना, अगर मैं अपने वाक पुष्पों से उन्हें कुछ ना कहूं। पूर्व वाक में इसमें बताया गया है कि कैसे जब भक्ति महारानी की दुर्दशा हुई तो देवर्षि नारद जी महाराज को और बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई, ठीक है,
और भगवती के उद्धार के लिए निगम कल्प तरूर गलितम फलम भागवत जी का समाधान ढूंढा गया, ठीक है। और इसके बाद में भागवत जी के माध्यम से ये पता लगा कि अंत में सब जीव उनका एकमात्र ध्येय रस है, और रस का मूल हम कहें वो महासिंधु, जहाँ एकमात्र रस ही रस है, उस महासिंधु का नाम क्या है? ब्रज। ब्रीही धातु से, व्यापक तत्व से क्या नाम पड़ा? ब्रज नाम पड़ा। वो आनंद का महासिंधु, वो ब्रज कहा जाता है, और वहां से ब्रजोपासना का प्रारंभ होता है। आप जानते हैं रास की चरम परिणति के इसी रस तत्व को वृंदावन के अनन्य रसिकों ने अपनी उपासना का विषय बनाया, और चिन्मय वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए महापुरुषों ने कुछ सोपान बताए इस ब्रज उपासना को। आगे कैसे बताएं? कुछ सीढ़ियां बताई उस वृंदावन में, उस ब्रज में जाने के कुछ सीढ़ियां बताई। आप जानते हैं सबसे पहले उस रस की तरफ किसने संकेत किया? वो संकेत किया भागवत जी ने। तो पहली सीढ़ी कहाँ से शुरू हुई? क्या? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुद छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। सबसे पहले सुने, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, पहले भागवत सुनना प्रारंभ करें। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, फिर भगवान व्यास देव ने नवधा भक्ति बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम व्यास दास्यम सक्षम आत्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति बताई, फिर नवधा भक्ति से भगवान की उपासना करें, और फिर तृतीय क्या बताया? ऐसे गुरुदेव करें जो सर्वज्ञ हों। अब ये ना आप गुरुजी से पूछने लग जाना, गुरुजी पिछले हफ्ता हमारी और कटिया भग गई घर से, वो पढ़िया बता दो कहाँ पे। सर्वज्ञ गुरुदेव लो, सर्व मतलब सर्व एकमात्र भगवान है, जो भगवान को जानते हो। अब ये कोई आप कोई खोया पाया विभाग थोड़ी होते हैं गुरुदेव। तो क्या कहते हैं? तृतीय करे गुरु समझ के गुरु करें। वो कैसा गुरु? सर्वज्ञ हो, मतलब सर्व को जानने वाला हो। तो गुरु करें कैसे? समझ के करें। और गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, पर दक्ष और सर्वज्ञ के बाद सब कुछ जानने वाला हो के भी वो रसीलो हो, खूब रसीला, रस से ओतप्रोत, रस में भरे। चौथे होए विरक्त, अब गुरु जी रसीले और आप रसहीन, कैसे चलेगा? तो अविरक्त होना चाहिए, संसार के रस से विमुख हो जाना ही विरक्त होना होता है भैया। विरक्त वेश लेना तो विरक्त होता ही है। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, उस वृंदावन में वास करें। तो हरिदासी उपासना में तो हमारे वृंदावन वास का सीधा सीधा, पर हम साधक क्या करेंगे? सदा वृंदावन में ही रहो, जहाँ प्रियतम श्याम सुंदर रहते हैं, हमेशा उसी धरातल में जीवो। और पांचे भूले देह सुद, जब देह की सुध भूल जाए तब छठे भावना रास की,
फिर रास की भावना करे। रास की भावना सीधे थोड़ी आती है। और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, और रास की भावना से बहुत आगे जाके स्वामी हरिदास जी की नित्य विहार उपासना प्रारंभ होती है। तो आप जानते हैं अर्थात प्रथम श्रीमद् भागवत गीता और भागवत जी आदि का श्रवण, द्वितीय नवदा भक्ति, ये हमने बताए सारे सोपान। इस नित्य विहार का प्रागट्य पार्थिव वृंदावन और नित्य वृंदावन दोनों के संबंध से लेकर हुआ है। शुरुआत में कोई भी चरित्र सुनने से पहले उसके तत्व की बात सुन लेनी चाहिए। आप सोचेंगे हाय ये चरित्र कहाँ है इसमें, अभी तो दीदी की कोई बात ही नहीं आई। आएगी आएगी। ऐसे तो मैं प्राची जी के चरित्र में भी नहीं बोलता सीधे, तो मुझे पता है। तो जानते हैं पांच भौतिक देश काल की परिधि से बाहर रस ज्योतिर्मय वलय है जो मानव चेतना को निरंतर रस की ओर आकृष्ट कर रहा है। हर मानव चेतना निरंतर रस की तरफ जाना चाहती है। कई लोग भोगों में रस ढूंढते हैं, कई लोग मदिरा में ढूंढते हैं, नशे में ढूंढते हैं, रिश्तेदारी में ढूंढते हैं, प्यार मोहब्बत में, यहाँ में ढूंढने में लगे हुए बेचारे। और फिर जब आप पूछो काका रस मिला, जब कोई संसार से जा रहा देखो तुम्हारी कितनी अच्छी 1927 में बहू आई थी, अब आनंद है उसका? तो उनका वो तो चली भी गई, पधार भी गई, अब उसका आनंद रह पाया? 1960-70 तक एकदम चकाचक घी दे के बढ़िया तरीके से आप हैं सब प्रकार का भोजन पाते रहे, सुख पाते रहे, अब उस सुख का सुख है, उस सुख की अनुभूति होती है? नहीं बेटे, नीचे रहने दो, ऐसे नहीं। आप कोई अज्ञात शक्ति हमें खींच रही है। कई लोग कहते मेरा मन नहीं लगता एक जगह। अरे भगवान को धन्यवाद दो तुम्हारा मन एक जगह नहीं लगता। अगर मन के एक जगह लग जाता, अगर मान लो मुझे बताओ, और वो गंदगी होती, मान लो गंदगी में, और मन एक ही जगह लगा रहता तो करोड़ों युगों तक गंदगी में ही पड़े रहते। तो मन की कितनी अच्छी आदत है, अभी यहाँ है तो कल को वहाँ है, कल को तो भैया भक्ति में भी तो नहीं टिकता है। अभी भक्ति हुई कहाँ है, अभी तो साधन भक्ति हो रही है, अभी तो आप भक्ति का मीनिंग समझने की शुरुआती प्रक्रिया में है। हाँ, भक्ति तो एक संबंध होता है, भीतर से उल्लास होता है। तो क्या जानते हो, एक कोई अज्ञात शक्ति, एक रस ज्योतिर्मय वलय जो मानव की चेतना को निरंतर रस की तरफ खींच रहा है, बुला रहा है, उसका आह्वान सुनकर कोई सहृदय जन रुक नहीं सकता। यही पुकार एक बार सुनी थी महाप्रभु चैतन्य देव ने भैया, और अपनी ममतामयी वृद्धा माँ को, नवपरिणीता अतिशय सुंदरी पत्नी को छोड़कर वृंदावन की ओर दौड़ चले थे। महापंडित श्री गदाधर भट्ट जी का पद ये था ना, सखी हो शाम रंग रंगी है? सही कैसे, कासो कहूं कौन पति आए, कौन सुने बकवार, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, शाम रंग रंगी। अरे मैं सखी, अगर मैं बताऊं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इतना भी सुख होता है। अगर कोई भगवान को देखा है, श्याम सुंदर को देखा है कि इतना भी सुंदर है कोई छोरा होता है, हाय हरी वह नंद जो का छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा, तो वो बेचारा बता नहीं पाएगा। गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगा है एक बेचारा, कैसा लग रहा है, गुड़ चूस रहा है ऐसे कर लेगा बेचारा, वो उसका वो इतनी अभिव्यक्ति कर पाता है। मनुष्य बता रहे भगवान कितने हैं, बहुत सुंदर हैं, जानते हो। एक हृदय में ऐसा उद्रेक उठता है उनके मिलते ही, ऐसे लगता है, अच्छा सुनो सुनो तुम लोग कितने पानी में डूब जाओगे बताओ, एक अच्छी सी टब हो या कोई बढ़िया एक बड़ा वाला और ड्रम भी हो तो उसमें हम डूब सकते हैं, हमारे डूबने के लिए उतना बहुत है,
आपने समंदर देखा है? आपकी नजर जाती वहां तक पानी पानी है, और जहां नजर जाती वहां भी पानी है। इतना पानी है, इतना पानी है। भगवान ने जो चीज बनाई ना, अनंत बनाई है। हर चीज कितनी बड़ी जिन्होंने बनाई है, उन्होंने सुंदरता जमीन का, भाई ये कितने सुंदर है, ये कितना सुंदर है, देखो ये कैसे सुंदर है, ओ ये पहाड़ कितना सुंदर, ये पेड़ कितना सुंदर, ये पंछी कितना सुंदर है, अरे इस मकोड़े में कितने कलर के, ये वो थोड़ा सा एक कलम ने एक कीड़ा वो पदित पाउंज उठा के लाए कि आजकल ये नेट पर बड़ा प्रचलित है, देखो इसके उसको पलट दिया, अरे मैंने क्या इसे उल्टा क्यों कर रहा हूँ, देखो इसमें यहाँ पे गुलाबी रंग भरा है, यहाँ नीला, यहाँ पीला, यहाँ हरा, अरे राम राम, हैं दसियों कसम के रंग भरे थे, और ऊपर से चमकता था। उसने फेयर एंड लवली नहीं लगाई थी, उसने फोटोशॉप से उसने उसमें लाइटिंग नहीं भरी थी। एडिटेड फोटो में यहाँ काले लड़कों में से भी रोशनी आती है, आते हैं गोरे हो जाते हैं। उस पंछी में उस छोटे से क्या नाम है वो, इतना सा कीड़ा था और इतना कलरफुल था, उसमें रोशनी थी। ईश्वर ने चमत्कारिक सृष्टि बनाई है, तो वो सौंदर्य है ना। जब किसी आदमी ने समंदर नहीं देखा होता ना, पहली बार समंदर को, तो इतना बड़ा, ऐसे याद रखना, जो पहाड़ को देखता है इतने बड़े बड़े पहाड़, अरे वो देखे 100-100 फीट के पेड़, कितने ऊंचे लंबे लंबे पेड़ देखे। जब जिसने नहीं देखा हो, जो अपने गली मोहल्ले में रही हो रहा हो, जिसने ये गणेशपुरी का वो वाला नाला ही देखा हो, वो बेचारा गंगा जी कैसी होती है उसकी कल्पना नहीं कर पाता, फिर समुद्र कैसा होता है उसकी कल्पना बिल्कुल नहीं। अभी जगन्नाथपुरी में हम समुद्र के पास से कितना कैसे लहरें आ रही थी, हम कितने से छोटे से मनुष्य उसके सामने। तो याद रखना, भगवान में अथाह सौंदर्य, अथाह माधुर्य शब्दों से कह के बता नहीं सकते। तो कहाँ से कहूँ, कौन पति आए, कौन सुने बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। तो जब ये सखी वो श्याम रंग रंगी ये सुना जीव गोस्वामी जी ने, तो उन्होंने एक श्लोक लिख के भेज दिया, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनासात्य वृंदाटविम तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। अरे भैया, जब तक राधा रानी के चरण कमलों को आराधा नहीं, वृंदावन का सेवन किया नहीं, वृंदाटवी का है उनकी उन वार्ताओं को सुना नहीं, तब तक कहाँ कोई श्याम सिंधु के रस का अवगाहन कर सकता है। ऐसे ही रंग गए, बिना रैनी के रंग गए, ऐसे भेजा। और उसी समय भट्ट जी ने ये जीव गोस्वामी का प्रश्न जब सुना, उनके कानों में एक वंशी सुनी, दौड़ पड़े। चक्र दादा को भी तो एक अज्ञात पुकारती थी, दादा दादा, उन्हें कोई बोला करता था इतनी मधुर आवाज में, बचपन से उठ के भागा करते थे, कौन मुझे पुकारता है। हाँ, महाप्रभु हित हरिवंशी भी जब युवावस्था में आए थे यहाँ, तो यहीं के होकर रह गए। यह कहते हुए हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनु या रज ही लिए। यही पुकार सुन ली थी ओरछा के राजा थे मधुकर शाह जी, उनके गुरुदेव थे हरिराम व्यास जी। अब मैं श्री वृंदावन रस पायो है, श्री राधा चरण सनन मन दीनो मोहन लाल रिझायो, सोयो हुतो विषय मंदिर में श्री गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास विहार विलोकत सुख नारद मुनि गायो। अब तो मैं व्यास विहार विलोकता हूँ, ये व्यास जी का ही है। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, क्या ठाकुर नंद किशोर हमारो ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। बस यही बात है, साचो धन वृंदावन भैया। तो आप जानते हैं अंत में भागवत जी ने जिस रस को बताया, वो रस खुद खींच रहा है, वो रस वलय ज्योतिर्मय रस वलय हमें आकृष्ट कर रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर, बताऊं क्या कहते हैं भगवत गीता का अंत क्या है,
स्वयं ऋषिकेश ऋषिकेंद्र ठाकुर कह रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज, हम जैसों को हमारी गरज है, हमें कौन प्यार करेगा। हम कई लोग होते हैं ना, अरे भैया देखो सुनो मैं बताऊं, बुरा ना मानिएगा, जब कोई ऐसे आदमी होते थे ना जो शक्ल देख के आप बोलोगे तो किसी दीन का नहीं, और उसकी बहू बड़ी सुंदर है, तो इसका मतलब समझ लो यही अरेंज मैरिज का फायदा होता था। किसी को कोई भी बहू मिल जाती, जमाना आया अब सब नखरे करते हैं, लड़का की ऐसी लड़की नहीं चले, लड़की कहते हम इतने काले से थोड़ी शादी करूंगे, थोड़ा तो गोरा होना चाहिए। अगर सच बताऊं पसंद पे ब्याह करने को छोड़ दूं तो बहुत सी लड़कियां कंवारी रह जाएगी, बहुत से लड़के कंवार रह जाएंगे, क्योंकि सबकी आजकल पसंद पसंद इतनी हो चुकी, सबको वो टेलीविजन देख के सोचती कि हाँ मेरा वाला तो ऋतिक रोशन होना चाहिए। असली जिंदगी में ऋतिक रोशन नहीं होता भैया, ऐसे समझ के सब ख्वाहिशें पाल लेते हैं, वो बंदे में मिलती नहीं। नारायण प्रभु बंदा अगर कोई बड़ा देखने में, और उसके नौकरी अगर कोई बहुत ज़्यादा, वो कहती पैकेज भी 10 लाख का, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने देखा है, मैं एक बालक को जानता हूँ, वो मेरे पास एक सज्जन आए, थोड़े उनका करोड़ से भी ऊपर पैकेज, और एक जने और मुझे करोड़ से ऊपर पैकेज वाले नज़र आए, थोड़े बोराइस है, दिखने में बिल्कुल ही बबलू। मैंने सोचा अब इनसे ब्याह कौन करे, तो लड़की ये बोले कि नहीं इनसे हमें ब्याह नहीं करना, सब सब डायमेंशन में सबको फिट चाहिए, खुद कैसे ही हूँ भैया। ये चीज़ होती है, सब असीम को पाना चाहते, अनंत को पाना चाहते, पर ये चीज़ इस दुनिया में फिट करना चाहोगे ना तो भूखे प्यासे मर जाओगे, कभी ब्याह होगा नहीं, घर में कोई रोटी बना के खिलाने वाले भी नहीं मिलेगी। तो सही बात है, जो डायमेंशन आप रख रहे हो, आप देखो मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, आप समझ रहे हैं, पर हमारी हम ऐसी मतलब कि सब जो चाहता है वो बहुत बड़ी चीज़ को चाहता है, खुद में कुछ भी ना हो ऐसा हो, समझ रहे हो। किसी कबाड़ी की दुकान पे, पंचर की दुकान पे काम करते हुए को भी देखो, उसे पूछो तुम क्या चाहते हो, वो तो अगर उसको मैं कह दूँ मैं उसे बिल क्लिंटन की जगह पर बिठा दूँ और बाइडेन की जगह पर बिठा दूँ तो कहेगा ये भी कम है और हो जाए तो अच्छा है। जानते हो ना मनुष्य जीव भगवान का ही अंश है, वो अंशी को पाना चाहता है जो अनंत है, लेकिन यहाँ संसार में पाने की चाहत ये ठीक नहीं है। यहाँ तो जो व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था बनी थी माता पिता हरि गुरु ये सब इनके शास्त्र के पैमाने में ब्याह हो जाते थे, अपने वैवाहिक धर्म जीवन का पालन कर लो और उस परम को ढूंढो, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो प्रभु जिनके पास सब कुछ है, वो प्रभु आपसे गरज करते कहते हैं मेरे पास आ जाओ, सुनो वो पुकारते हैं जीव को, प्रतिदिन कहते हैं मेरे पास आ जाओ, तो ये पुकार उस रस वलय, उस ज्योतिर्मय रस वलय की है, उस वो रस का महासिंधु गर्जना करके कहता है भगवत गीता में। शर्त नहीं है तुम ऐसे हो आड़े टेढ़े हो, किसी के काबिल नहीं हो, जो किसी के काबिल भी नहीं वो भगवान के काबिल, जीव मात्र भगवान के ऊपर अधिकार रखता है, कहता प्रभु आप मेरे हो, जानते हो ना। तो आप समझिए भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, और आप जानिए अब आप इसे समझेंगे आगे, कूची नित्य विहार के श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जाचत नावत मात, भगवान के भगवत भक्त। तो चलिए हम कल भी इस भूमिका के विषय में बात करके ही हम आगे चलेंगे, ऐसा हमारा मन है, भूमिका की बात बतानी चाहिए मुझे लगता है, इसमें सब रसिकों की वाणियाँ थोड़ी थोड़ी आएगी, तो वो बातें कह के हम दीदी का तो चरित्र शुरू करेंगे। रोज सिद्धांत की बात कह रहे हैं, कोई और नई बात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इतनी बात जरूर कहता हूँ, भगवान की सारी वार्ताएँ सुमधुर होती है, अपनी बातों को ये सुनते हैं,
बहुत बात बताने को मेरा मन करता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपकी स्थिति कहीं ऐसी ना हो, यही सैटेलाइट से कोई चीज़ मैंने फेंक दी, आप लपेट भी ना पाए। समझ रहे हो ना, बात ये है ऊपर से न जाए। कुछ समझने वाले तो अब एक नर्सरी के बच्चे के और शिशु कक्षा में बैठा है, उसे क से कबूतर बनाने में एक साल लग गए, का पट्टी पे हाथ लगा लग का बता रहे। उसके सामने मैं बाइनोमियल थ्योरम क्लियर करना शुरू कर दूं, मनर कृष्ण और कृष्णा प्रभु के बेटे समर्थ कृष्ण बैठे, तो वो स्लेट तोड़ देंगे, उनके क्लास में उपद्रव मचा देंगे, क्या बता रहे हो इतनी देर में। तो देखो आप जान रहे हो वो उनका सब्जेक्ट नहीं है, जिस कक्षा में जाएंगे उस समय उन्हें बताएंगे। तो उससे पहले भगवान की अनुभूति की बातें बताई जाए ठीक नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें सिखाएं बताएं, ऐसा हमारा मन है। लाडली लाल की जय।